तो भाई बिग बॉस की हर जगह हो रही है बातें और हमारे साथ है एक्स बिग बॉस कंटेस्टेंट दलजीत कौर इज हियर. सबसे पहले तो बड़ी हॉट एंड हैपनिंग लग रही है. थैंक यू सब बोल रहे हैं. थैंक यू. तो अपने लुक के बारे में बता दीजिए. यार जी टीवी में अंतरा प्ले किया था मैंने जो बहुत ही हॉट यू नो शी हैड एन ओम्फ अबाउट हर. क्यूट भी थी सडनली बहुत क्रीपी थी. तो आई वांटेड टू ड्रेस अप हॉट एंड या दिस इज माय बेस्ट अटेम्प्ट टू बी हॉट गाइस अब टेक इट. वैसे अगर हम बात करें बिग बॉस की सो बिग बॉस के घर में बहुत कुछ हो रहा है और आप बिग बॉस के घर होकर आई है सो क्या कहेंगी कैसा लग रहा है आजकल? यार मिस कर रही हूँ मैं ऑनेस्टली. मुझे पता है वहाँ बहुत झगड़े हो रहे हैं और सब लोग मुझे जज करेंगे सेंटेंस पे लेकिन वाकई में मिस कर रही हूँ क्योंकि मैंने 15 दिन वहाँ बिताए और बहुत ही लाइक इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग वाइब यू नो जो मैं मिस कर रही हूँ और मैं सबको देख रही हूँ मुझे लग रहा है अगर मैं होती ना मैं ये इनको बता देती है यू नो. सो आई एम मिसिंग देम एंड इंटरेस्टिंग है बहुत कुछ हो रहा है तबाही मचा रखी है. मैं जैसे ही घर से निकली घर में तबाही मच गई. मतलब ऐसा कह सकते हैं दलजीत बहुत सेफ साइड में बहुत जल्दी से सुमड़ी में बाहर आ गई राइट? नहीं मैं वहाँ भी होती तो मतलब ऐसा तो मैं क्या ही तबाही मचाती लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि मेरे कनेक्शन अभी बनी रहे थे और 2 ही हफ्ते हुए थे एंड आई एम नॉट अ वेरी यू गाइस नो मी सिंस इयर्स. मैं अटेंशन सीकर नहीं हूँ सो आई वुडंट हैव इन 2 वीक्स डन समथिंग ड्रास्टिक एनीवेज. लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि अगर मैं कुछ टाइम और रहती क्योंकि मेरे कनेक्शंस इमोशंस बहुत ज़्यादा ऑलरेडी बन चुके थे जो कैमरा पे नहीं दिखे लेकिन थे तो अब वो 3rd week से बहुत अब मेरा आई थिंक बहुत अच्छा स्टैंड होता उस घर में और या लाइक आई थिंक आई डिजर्व टू स्टे देयर फॉर लिटिल मोर लॉन्गर. लेकिन बिग बॉस के घर में जो कंटेस्टेंट्स हैं जो सेलिब्रिटीज हैं उनकी बात करें तो किसके बारे में क्या है आपका सोचना? सबसे पहले सिद्धार्थ शुक्ला सुपर्ब गेम प्लेयर. आई थिंक इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट वेदर एनीबडी लाइक्स हिम और नॉट बट आई थिंक मैंने उसको गेम खेलते हुए देखा है मैंने उसको टास्क करते हुए देखा है. जैसे ही वो टास्क में उतरता है उसको डिफीट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है. आई रियली डोंट नो हाउ ही डज दैट बट ही डज दैट. सो एज अ प्लेयर वेरी गुड. वैसे सिद्धार्थ शुक्ला जो है उन्हें आजकल बहुत लाइन दे रही है देवोलीना. सो क्या कहेंगी इन दोनों की जो मस्ती मजाक चल रहा है उसके ऊपर? मस्ती मजाक तो ठीक है रियल तो ऑब्वियसली नहीं लग रहा है मुझे क्योंकि एक ही एपिसोड पहले मैंने देवो को कुछ गालियाँ देते हुए सुना गुस्सा करते हुए देखा और देवोलीना और सिद्धार्थ के रिश्ते. देवो एंड सिद्धार्थ को ऑब्वियसली कोई रिश्ता रियल तो है नहीं बिकॉज आई डोंट थिंक सो. हो जाए तो ग्रेट आई थिंक बोथ आर सिंगल एंड ब्यूटिफुल इट बी लवली. बट ये भी है कि क्योंकि मैंने देवो को बहुत ही एग्रेशन में बहुत ही एक्सट्रीम चीज़ें बोलते हुए देखा है तो मुझे नहीं लगता कि अगले एपिसोड में ये सब यू नो कुड बी रियल. तो आई देर डूइंग इट फॉर एंटरटेनमेंट इट्स वर्किंग बिकॉज आई वॉज लविंग द होल स्टेयरिंग एंड यू नो वो ग्लास पे ऐसे करना मुझे तो बड़ा क्यूट लग रहा था बट ऑब्वियसली इट्स नॉट रियल. रश्मि देसाई रियली नीड टू शिफ्ट अ फोकस फ्रॉम सिद्धार्थ एंड डू अदर थिंग्स. सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि वो और कुछ करे अब यू नो बिकॉज अब उन दोनों का मैं झगड़ा देखे मैं खुद बोर हो चुकी हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ और अब रश्मि करे. आसिम सुपर ही इज स्टैंडिंग फॉर हिमसेल्फ वेरी स्ट्रांगली आई एम लाइकिंग दैट. और आई थिंक आसिम अकेला है जिसको ऑनेस्टली मैंने उसका क्राफ्ट नहीं देखा था. ही इज़ अ मॉडल ही इज़ गॉट अ फैब फिजीक एंड एवरीथिंग लेकिन मैंने अब उसकी आइडेंटिटी एज अ पर्सन देखी है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि फ्रॉम नॉट नोइंग हिम एट ऑल नाउ आई नो कि वो कैसा है. सो एज अ व्यूअर एज एन एक्स कंटेस्टेंट आई रियली लाइक आसिम. सना कन्फ्यूज है ओवर स्मार्ट भी है इनोसेंट तो नहीं है बट शी इज़ डूइंग हर जॉब एंड शी इज़ डूइंग इट वेल एंटरटेन अच्छा कर रही है एंड आई एम हैप्पी अबाउट. हिमांशी मुझे ऑनेस्टली कुछ समझ में नहीं आ रहा हिमांशी का. वो जब आई थी तो जिस तरह से सना ने रिएक्ट किया था तो मुझे लगा था पता नहीं क्या तबाही मचा देगी हिमांशी लेकिन उन्होंने कुछ किया ही नहीं और वो शायद उनको बोला गया बहुत स्ट्रांगली कि चीज़ें मत उखेड़ना तो नहीं कर रही हैं वो लेकिन या शी इज़ टू इनविजिबल फॉर मी. यार आई लाइक हिम आई एक्चुअली लाइक अरहान अ लॉट. मुझे लगता है कि अरहान अभी वो भी शायद मेरे जैसे ही है जिनको टाइम लगता है चांसेस है कि भगवान ना करे. बट अरहान मुझे अच्छा लगता है उनकी वाइब बहुत अच्छी है और वो या ही शुड प्ले मोस्ट स्ट्रॉन्ग. पारस अब धीरे धीरे पता नहीं क्यों गुम हो रहा है उस घर में जो उसकी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सी वाइब थी उस घर में नए लोगों के आने के बाद वो मुझे लगता है वो गुम होता जा रहा है विच इज सैड. Yeah, I love her. I know people will hate me for saying that, at least the Shukla fans. But guys, I think she's genuinely innocent. उसको genuinely ये लगता है कि उसको target बनाया गया सिद्धार्थ ने उसको target बनाया उसको genuinely ऐसा लगता है कि उसको धक्का मार के उसने गिराया जबकि नहीं गिराया था. वो जब आएगी बाहर footage देखेगी जब आप होते हैं अंदर वो एक अलग ही कहानी होती है वो आप लोग नहीं समझ सकते क्योंकि 24 घंटे और 40 मिनट
बहुत डिफरेंस है. तो मैंने जितना मायरा के साथ टाइम स्पेंड किया आई रियली लाइक विशाल. आई थिंक इज एग्रेसिव फॉर नो रीजन समटाइम्स. उनके बहुत बहुत इम्पल्सिव हैं और बहुत एग्रेसिव हैं और मुझे लगता है कि उनके स्टैंड बहुत स्ट्रॉन्ग है लेकिन उनका स्टैंड कई जगहों पे मुझे करेक्ट नहीं लगा. आई लव भाऊ. जब मैं भाऊ का एंट्री जब सलमान सर के साथ हुआ था वो संजू बाबा बन के आया था तो मैं उनको गूगल किया सॉरी फॉर दिस थिंग बट मुझे नहीं पता था भाऊ कौन है. तो फिर मैं ना ऐसे हो गई कि ओ शिट ये तो बड़ी गंदी गंदी गाली देते हैं ये कौन है और क्यों जा रहे हैं बिग बॉस में. ऐसा क्या हो गया कि बिग बॉस में उनको डाल. तो आई वॉज लाइक यू नो जजिंग बिग बॉस फॉर कास्टिंग हिम. बट जब मैंने उनको देखा इट चेंज माई परसेप्शन. इज अ थॉरो जेंटलमैन. वो किसी और को भी गाली नहीं बोलने देते हैं. वो लड़कियों की तरह बहुत रिस्पेक्टफुल हैं. आई थिंक ही कुड फॉर मी सिद्धार्थ वॉज वन ऑफ माई पोटेंशियल विनर्स. आई थिंक नाउ भाऊ इज स्ट्रॉन्गली माई पोटेंशियल. क्लास दलजीत से ये जानना चाहते हैं कि वो कौन से 5 कॉन्टेस्टेंट हैं जो उन्हें लगता है कि टॉप 5 तक जाएंगे. भाऊ इज पर्सनल फेवरेट. सिद्धार्थ लव हिज यू नो वे द वे ही प्लेज हिज गेम. अरहान इफ ही सर्वाइव्स इट एंड ही एंड्स अप डूइंग समथिंग. I think 3 is enough. Oh my god. Yeah, because every day you know मैं एक opinion बनाती हूँ और अगले दिन वो कुछ भलता ही कर देता है वो contestant. मुझे लगता है यार अभी तो I started liking. तो you know it's too early to say. अभी एक महीने में तो बहुत रहे थे पहले वाले. Let's not make any judgments. Come on. लेकिन दलजीत जो है वो पहली contestant थी जो घर से बाहर निकली तो there's a full chances कि शायद आपको वापस बुलाया जाए. So जाएंगी तो इस बार कौन सी टीम की तरफ होंगी या सबको बहुत सारा ज्ञान बांटेगी. वैसे हम शिफाली के बारे में बात करना भूल गए. शिफाली यार शिफाली ना मुझे लगता है अगेन वो विशाल के रास्ते जा चुकी हैं. वो स्ट्रांग हैं लेकिन वो जो कहती हैं वो मुझे कई बार पसंद नहीं आता है क्योंकि उनके बोलने का तरीका शायद स्ट्रांग है लेकिन वो जो मुद्दे पे जो बात करती हैं कई बार मुझे लगता है इररेलेवेंट है और बहुत ज़्यादा बोल देती हैं वो. तो शी नीड्स टू प्रॉबेबली उनको मुद्दा ढूंढना बहुत ज़रूरी है घर में. आई थिंक सो. सो एक लास्ट, अगर आपको वाइल्ड कार्ड में वापस जाना होगा तो क्या धमाल क्या कमाल करके आ सकती हैं आप. यार मेरा एडवांटेज ये है कि मेरा जो रिलेशन है सबके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग है. चाहे वो रश्मि हो चाहे वो सिद्धार्थ हो चाहे वो सना हो पारस हो. यू नो वी हैड आर डिफरेंसेस बट दे ऑल काइंड ऑफ हैव दैट रिस्पेक्ट एंड लव फॉर मी. जो वहाँ से टेक ऑफ करने के लिए मिलेगा तो मेरा जेन्यूनली कोई ग्रुप नहीं है. विच विल बी लॉट ऑफ फन टू सी कि क्या होगा. तो क्या जाएगी दलजीत वापस घर के अंदर ये देखने के लिए तो आपको देखना रहना होगा बिग बॉस. सो इसी के साथ थैंक यू सो मच. थैंक यू गाइज. आई लव यू. तो ढेर सारा प्यार दलजीत को दीजिए. बिग बॉस देखते रहिए और देखते रहिए सास बहू और बेटियां. कैमरा पर्सन आलोक के साथ श्रुति बढ़ जाते हैं मुंबई आज तक.